हेलो फ्रेंड्स, मैं वितेज और आप देख रहे हैं वितेज फार्मा का इंटेक सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई सैमसंग का A20 हो और उसका अगर आपका डिस्प्ले जो है टच और डिस्प्ले दोनों डैमेज हो जाए तो आपका कितना पैसा लगेगा, ये लगभग मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सैमसंग का जो A20 का सेट होता है उसका जो स्क्रीन होता है वो सुपर एमोलेड होता है। सुपर एमोलेड का मतलब होता है कि वो प्योर जो पूरा पूरा जो उसका डिस्प्ले है वो LED बेस्ड होता है, और ऊपर का जो होता है वो आपका गोरिल्ला ग्लास विथ होता है, क्योंकि सिर्फ वो ऊपर का जो हिस्सा होता है ना वो ग्लास का होता है, लेकिन डिस्प्ले में ही टच और फॉर जो दिखता है रंगीन कलर का जिसको बोलते हैं डिस्प्ले, वो इनबिल्ट होता है। तो जो ओरिजिनल डिस्प्ले है वो आपको अगर सर्विस सेंटर में आप लगवाने जाते हैं तो लगभग आपको 6,500 रुपये समथिंग तक आपका लग सकता है, मतलब 5,500 से 6,500 के बीच में उसका रेट है। और अगर आप मार्केट में कॉपी कॉम्बो लेने जाते हैं तो कॉपी कॉम्बो जो होता है वो ग्लास बेस्ड नहीं होता है, वो ऊपर का एक टच होता है और वो LCD बेस्ड होता है, मतलब उसमें लिक्विड इनबिल्ट होता है, लिक्विड LCD LED नहीं होता, वो एकदम LCD होता है और वो एकदम घटिया क्वालिटी का होता है। उसका जो कॉस्ट है अगर आप वो मार्केट में आ जाते हैं तो आपको 1200-1300 रुपये या 1400 रुपये तक मिनिमम आपकी, हो सकता है किसी शहर में 1400 का मिले, लेकिन अगर कोई फिट करता है तो आपको 1600-1700-1800 मतलब 2000 रुपये तक जा सकता है आपका A20 का कॉम्बो। A20 कॉम्बो में क्या है, जो LED बेस्ड होता है जो कंपनी का, वो बहुत ही सुपर एमोलेड होता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, और जो मार्केट में मिलता है कॉपी वो एकदम थर्ड क्लास का होता है। अगर आप उसको लगवाते हैं सैमसंग में, अगर का जो कॉपी कॉम्बो होता है अगर आप उसको लगवाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका 1800-2000 रुपया एकदम पानी में ही जाना है, क्योंकि उसकी क्वालिटी जो है प्रॉपर वर्क नहीं करती है, उसमें टच वर्क नहीं करता प्रॉपर, और जो ओरिजिनल है वो बहुत अच्छा वर्क करता है। तो मेरा सलाह है कि अगर आपका कभी डैमेज हो तो आप जाके उसको सर्विस सेंटर से लगवाएं, क्योंकि फिर वो आपका 1-2 साल तक चल जाएगा। कॉपी कॉम्बो अगर मजबूरी है तो आप लगा सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल वितेज फार्मा का इंटेक सॉल्यूशन देखिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। इस तरह के पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।